खुदा की रहमतों तौफीक से हमने बताया है सजा सज और अबवा को वजाहत से दिखाया है। दुआ है आखिर अशरब देखने वालों को ले आए यूं सदके रहमतुल लिल आलमी के हज भी करवाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल मक्का से मदीना आया, 2 बजे इधर पहुंच गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ज़ियारत कल रात किया। आज मैं मदीना में, अभी मदीना में हाज़िर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और दीन और दुनिया से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों साथियों, अभी शहाब भाई ने बताई अपने हज की सच्चाई हिंदी में। अभी शहाब भाई नहीं जाएंगे सऊदी अरब से इंडिया को। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज शहाब भाई की एक ऐसे वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ हिंदी में, जिसको देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों शहाब भाई ने अपने वीडियो में अपने शानदार सफ़र के बारे में बहुत ही खास अपडेट दी है और यही शहाब भाई की शानदार वीडियो आपको दिखाने वाला हो। दोस्तों साथियों, आज का शहाब भाई का ये वीडियो बहुत ही खास होगा और आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों उसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि शहाब भाई की लाइव लोकेशन क्या है, शहाब भाई अभी इस वक्त कहां पर मौजूद है, शहाब भाई इंडिया को कब वापस आ रहे हैं, ये सब मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ और पूरे डिटेल्स के साथ बताऊँगा। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना और शहाब भाई के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माशाल्लाह सुबहानअल्लाह ज़रूर लिखना। दोस्तों साथियों, अब तो आपको ये बात मालूम ही हो चुकी है कि शहाब भाई ने हज अदा कर लिया है और अब शहाब भाई हज शहाब हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, शहाब भाई की एक ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आई है जिसमें शहाब भाई ने खुद हिंदी ज़बान में अपने हज के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ बताया है और आज का हज शहाब भाई का ये वीडियो देख कर आपका दिल मचल उठेगा। दोस्तों साथियों, यही वीडियो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल मक्का से मदीना आया, 2 बजे इधर पहुँच गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ज़ियारत कल रात किया। आज मैं मदीना में, अभी मदीना में हाज़िर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग मेरे लिए दुआ करना, मेरा दुआ सबका साथ है इंशाल्लाह, मैं भी दुआ करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा हुजूर का मदीना मुनव्वरा में अभी हाज़िर है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मैं ये हफ्ता में इंडिया रिटर्न जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा काम है इधर का, इसलिए इंशाल्लाह कल हज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्रन हज हो गया मेरा। ज़्यादा लोग मेरे को हेल्प किया इंडिया में, कुवैत में, इराक में, ईरान में, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, बहुत लोग हेल्प किया, सबको मेरा दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी मेरा नाम बोलकर दुआ करो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र आपका दुआ में इधर पहुंचा मैं। अभी मैं मदीना मुनव्वरा में मौजूद है इंशाल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, सबको एक बार फिर एक बार भी शुक्र बोलने के लिए आया मैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्रन। अभी अभी हरम का पार्किंग में जाने, गाड़ी जाने के लिए जाएगा, अभी हरम का नज़दीक गरीब है मैं इंशाल्लाह। ए हरमिंदे हरम आना का नो, हरम का मीनार देखो, वी आर गोइंग टू पार्किंग, सो नाउ
We are in Madina Munawwara. This is the parking, Masjid An-Nabawi. Okay, inshallah. Assalamu alaikum. Ziyada log mere ko help kiya. Sabko main dua karega inshallah. Already dua kiya. Hajj ka time bhi Mina mein, Arafah mein, Muzdalifah mein, Jamra mein. किधर भी जाने का टाइम दुआ का रास्ता किधर किधर है वो पूरा मेरा रास्ता में भी मैं इंडिया पाकिस्तान ईरान इराक कुवैत सऊदी ये रास्ता में भी सबको मेरे दुआ साथ साथ में दुआ किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल करेगा आप लोग मेरे भी याद रखना दुआ में इंशाल्लाह फिर एक बार मेरा सऊदी गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू सो मच लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा दोस्तों साथियों जैसा कि आपने देखा शहाब भाई का ये वीडियो मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा दोस्तों शहाब भाई ने खुद हिंदी में बताया है कि उन्होंने अपना हज अदा कर लिया है और अब शहाब भाई मदीना शरीफ में और जगह जगह जाकर ज़ियारत कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों बस आप सभी इसी तरह से शहाब भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करते रहिए ताकि शहाब भाई बिना किसी परेशानी के बिना किसी दिक्कत के इंडिया को वापस आ जाए दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों शहाब भाई के इसके आगे के अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तब तक के लिए दोस्तों दुआओं में याद रखें अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़